तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी इलेक्ट्रोटेक में। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक कमाल का बक कन्वर्टर। देख पा रहे हैं आप, इसके हेल्प से किसी भी लिथियम बैटरी को सेफली चार्ज कर सकते हैं और एक अच्छा सा एडजस्टेबल पावर सप्लाई आसानी से घर पर बना सकते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एवी इलेक्ट्रोटेक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये है डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, यानी कि स्टेप डाउन मॉड्यूल। स्टेप डाउन क्या होता है, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का काम करता है। बात करते हैं इस बोर्ड के मॉडल नंबर की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं XL4015। अगर आप इस बोर्ड को परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे इसका मेन आईसी है, देख पा रहे हैं एक बड़ा सा इंडक्टर कॉइल इस बोर्ड की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, और कुछ असेंबली कंपोनेंट्स, दो कैपेसिटर और दो वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे मिल जाते हैं। इनके हेल्प से आप आउटपुट के वोल्टेज और करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस बोर्ड से किसी भी लिथियम बैटरी को सेफली चार्ज कर सकते हैं। लिथियम बैटरी को कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे आप इस बोर्ड का यूज कर सकते हैं। और ये बोर्ड जो है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लिथियम बैटरी के लिए। और इसमें आपको 3 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, देख पा रहे हैं। ये वाला इंडिकेट करता है कि आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, यानी कि लोड कनेक्टेड है इस बोर्ड से। और ये वाला इंडिकेट करता है बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, यानी कि अब इससे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कांस्टेंट वोल्ट कांस्टेंट करंट को। अब बात करते हैं इस बोर्ड के इनपुट और आउटपुट की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसका इनपुट सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन। इसके इनपुट में आप 5 वोल्ट से 36 वोल्ट तक इन कर सकते हैं, और आउटपुट में आप 1.25 वोल्ट से 32 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हैं, मैक्सिमम 32 वोल्ट तक। और बात करते हैं मैक्सिमम करंट आउटपुट की, तो आप इससे मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट आउटपुट ले सकते हैं। आप इस पर ज़्यादा करंट का लोड ना डालें, नहीं तो ये बोर्ड ख़राब हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और इसमें पोलैरिटी है, तो इसका पोलैरिटी देखकर कनेक्शन करना है, बिल्कुल भी उल्टा नहीं करना है। बक कन्वर्टर में मैं इसे SMPS पावर सप्लाई से पावर दूंगा, जो कि 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है। तो इसके आउटपुट को जस्ट इस बक कन्वर्टर के इनपुट में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये क्लिप है, तो इसमें मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिप फंसा देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में। और इसको बिल्कुल सीधा एकदम कनेक्शन करना है, उल्टा नहीं करना है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है। अब इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं, देख पा रहे हैं मैंने किस तरीके से कनेक्शन किया है। अब आउटपुट में मैं वायर कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब इसमें 240 वोल्ट एसी इन करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें पावर इन कर दिया है और यहाँ पे एक LED ग्लो कर रहा है, तो अब इसके इनपुट का वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को सेट कर दे रहा हूँ, और आप इनपुट का वोल्टेज देखिए, देख पा रहे हैं 12 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब चलिए आउटपुट चेक करते हैं और इसके वोल्टेज को बढ़ाते और घटाते हैं प्रीसेट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे इसका प्रोब जो है वो निकाल देता हूँ, और प्रोब के जगह पे यहाँ पे मैं इसके डायरेक्ट वायर को लगा देता हूँ। देख पा रहे हैं आप आउटपुट का वोल्टेज इस तरीके से। तो अब बढ़ाते हैं आउटपुट के वोल्टेज को। यहाँ पे जब आप प्रीसेट को क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आउटपुट का वोल्टेज बढ़ेगा। ये देखिए मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, और मीटर में आप देख पा रहे हैं 8 वोल्ट हो गया, इस तरीके से बढ़ रहा है क्लॉक। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसे, तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको कितना मिनिमम कर सकते हैं कम, 1.25। अब इससे नीचे नहीं होगा, देखा आपने, अब इससे नीचे नहीं हो सकता। तो अब चलिए बढ़ाते हैं फिर से, यहाँ पे बढ़ने लगा वोल्टेज। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, और करंट को भी इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जब आप इसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो करंट बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो घटेगा। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल काम करता है। तो आइए इसके आउटपुट में लोड कनेक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक DC मोटर, देख पा रहे हैं
किस तरीके का है। तो अब इसके टर्मिनल में इसके वायर को कनेक्ट करते हैं और देख पा रहे हैं मोटर घूम रहा है। वोल्टेज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देख पा रहे हैं मोटर काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है। वोल्टेज थोड़ा सा कम करते हैं, घटाते हैं, मोटर काफ़ी स्लो हो गया और ये अभी ये बंद भी हो गया। देखिए अभी एकदम वोल्टेज लो हो गया। इस तरीके से आप वोल्टेज आपको जितना चाहिए किसी भी सर्किट में आप इसका यूज कर सकते हैं और करंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मोटर का स्पीड, अभी ये काफ़ी अच्छे से घूम रहा है। अब रुकिए मैं करंट को कम करता हूँ, करंट को डिक्रीज करता हूँ। देखिए अभी मैंने करंट एकदम कम कर दिया तो ये बंद हो गया और यहाँ पे कांस्टेंट एलईडी ग्लो करने लगी, कांस्टेंट वोल्ट कांस्टेंट करंट की, देख पा रहे हैं। अब बढ़ाते हैं करंट को, देखिए अभी मोटर अपने स्पीड पे आ गया, चलने लगा। अब आइए इसमें लिथियम बैटरी को चार्ज करके देखते हैं। बैटरी का वोल्टेज है 3.7 वोल्ट और इसका चार्जिंग वोल्टेज होता है 4.2। तो सबसे पहले इसे हमें 4.2 वोल्ट पे सेट करना है। तो इसको मैं अभी पावर दे के इसमें 4.2 वोल्टेज सेट कर लेता हूँ। अब इसके यहाँ पे वायर को लगा देना है। कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4.1 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब लिथियम बैटरी इसमें कनेक्ट करते हैं और इसको हटाते हैं, साइड करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं इसके वायर को। और आप अभी नोटिस करना यहाँ पे जो ये एलईडी है ये ग्लो करने लगेगा जब बैटरी चार्ज होगी। फ़िलहाल तो ये बैटरी हमें लगता है फुल चार्ज है, नहीं अभी चार्ज होने लगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी जब मैं हटाता हूँ और कनेक्ट करता हूँ देख पा रहे हैं कौन ग्लो होने लगी, यानी कि बैटरी अभी चार्ज हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी लिथियम बैटरी को सेफली चार्ज कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप किसी भी लिथियम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसमें BMS ज़रूर होना चाहिए। BMS लगाने से बैटरी सेफ रहती है, तो उसका ध्यान रखें, BMS ज़रूर कनेक्ट करें तब इससे चार्ज करें। और देख पा रहे हैं बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अभी जब मैं कनेक्शन हटाता हूँ तो ये फुल चार्ज बता रहा है, यानी कि बैटरी अब करंट नहीं ले रही है। तो इस तरीके से आप लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अब करंट टेस्ट करते हैं हमारी बैटरी चार्ज होने में कितना करंट ले रही है। तो इसको मैं 10 एम्पियर पे सेट कर देता हूँ और ये जो दो इसके माइनस वायर हैं और यहाँ पर लगा देता हूँ। एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देख पा रहे हैं मैंने कनेक्ट किया। और यहाँ पर जो ये एलईडी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए बैटरी करंट ले रही है 0.10 इस तरीके से, 0.09 आप मल्टीमीटर में देखिए, क्योंकि बैटरी जो है वो चार्ज है तो इसलिए बहुत कम एम्पियर ले रही है, 0.12। तो इस तरीके से आप करंट भी मेजर कर सकते हैं और करंट को भी बढ़ा सकते हैं। तो जब आप करंट बढ़ा देंगे तो बैटरी आपकी थोड़ा फास्ट चार्ज होगी। तो इस तरीके से आप लिथियम बैटरी चार्ज कर सकते हैं और एक अच्छा सा एडजस्टेबल पावर सप्लाई बना सकते हैं अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।